वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम इस क्लास में हम समझेंगे कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, पाइथन में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कितने और किस तरह से हम कर सकते हैं। उसके लिए मैंने कुछ वेरिएबल्स ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं। तो जैसे कि मैसेज एक वेरिएबल है और उसको मैंने असाइन किया है, उसका वैल्यू है स्ट्रिंग है, वेलकम स्ट्रिंग वैल्यू है। और स्ट्रिंग आपको पता है, अगर कोट्स, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स हम इसमें यूज़ करते हैं तो वो उसके अंदर जो भी होता है वो स्ट्रिंग होता है। तो ये स्ट्रिंग हमने असाइन किया, चाहे तो आप सिंगल कोट से कर सकते हैं, चाहे तो डबल कोट से। नेम वन और एक दूसरा वेरिएबल है जिस जो स्ट्रिंग रवि को स्टोर कर रहा है। नेम टू भी एक वेरिएबल है जिसने विंसी स्ट्रिंग को स्टोर कर रखा है। और एज एक और वेरिएबल है जिसने 25 इंटीजर को, और कभी भी आपको अगर डेटा टाइप पता करना है किसी भी वेरिएबल का तो आपने लिखना है प्रिंट और फिर टाइप यूज करेंगे तो मैसेज राइट। तो अब मैसेज के बारे में इसको रन कर देंगे, मैसेज स्ट्रिंग जो आ रहा है, मैसेज किस क्लास का मेंबर है, दैट इज अ स्ट्रिंग का स्ट्रिंग है। इसी तरह नेम वन नेम टू ऑल्सो अ स्ट्रिंग और एज इज अ इंटीजर, एज जो वेरिएबल है वो इंटीजर है। एनीवेज सो अब हमें इस एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें लिखना है वेलकम रवि एंड हैप्पी बर्थडे विंसी, यू आर 25 टुडे। अब ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यार, क्या करना है, सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट आपको जो पता ही है विद इन कोट्स, इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लो और इसके अंदर पेस्ट कर दो। तो हमें ये प्रिंट करना है, वेलकम रवि एंड हैप्पी बर्थडे विंसी, हैप्पी बर्थडे विंसी, यू आर 25 टुडे राइट। तो इसको रन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। अब प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गया, लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ रहा है, ये लाइन जो है ये स्टैटिक लाइन हो गया। अब अगर नेम मैं चेंज करता हूं रवि से राजा कर देता हूं और इसको अगर रन करता हूं मैं, इसको अगर रन करता हूं अब मैं, तो राजा तो नहीं हो रहा, ये यहां पे रवि है और रवि ही दिखा रहा है। तो ये स्टैटिक लाइन है, डायनेमिक लाइन नहीं, ये चेंज नहीं हो सकता। अब यहां इस चीज को हम वेरिएबल को यूज करें और वेरिएबल अपने आप जो वेरिएबल में जो भी डेटा स्ट्रिंग डिजिट इंटीजर जो भी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाए। सपोज जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 15 करूँ तो यहाँ पे भी एज जो है 15 ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। ये है हमारा प्रॉब्लम और इसका सलूशन, इसको तीन तरीके से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो है वो है कि फॉर्मेट, जैसे ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, इसमें क्या क्या वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स हैं उन पे हमने एक प्लेस होल्डर बना लिया। प्लेस होल्डर कर्ली ब्रैकेट से
बनेगा, ठीक है। तो वेलकम हम टाइप नहीं करेंगे, वेलकम की जगह और वेरिएबल पहला जो है नेम वन है, तो उसके लिए भी ऑलराइट नेम वन प्लेस होल्डर दे दिया नेम, फिर हैप्पी बर्थडे, तो ठीक है। विंसी एक वेरिएबल है विंसी, ये भी प्लेस होल्डर आ गया। यू आर एज भी वेरिएबल है। तो ये चेंजेस होने वाली चीजों को वेरिएबल कहा जाता है, जो चेंजेस हो सकते हैं, जो चेंज हो सकते हैं तो उनको, और ये पूरा सेंटेंस हमारा होता है। अब हम रन करते हैं, नथिंग। ये प्लेस होल्डर्स भी एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमें पता है ये प्लेस होल्डर्स की जगह ये जो वेरिएबल्स है उनको रिप्लेस करना है। तो उसको करने का तरीका है, ये सेंटेंस स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया, कोट्स क्लोज हो गया, उसके बाद डॉट फॉर्मेट लिखेंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद प्लेस होल्डर्स में क्या आएगा उसके ऑर्डर के हिसाब से हम कॉमा देते जाएंगे। जैसे सबसे पहले आएगा वेलकम, वेलकम क्या है, वेलकम, और वेलकम क्या है, मैसेज है, वेरिएबल इज मैसेज। तो सबसे पहले आएगा मैसेज कॉमा, इसको जरा मैं छोटा कर लूं, हाँ, तो पहले आएगा मैसेज, फिर आएगा राजा नेम वन, जो भी नेम होता है नेम वन, नेम वन, फिर नेक्स्ट आएगा हैप्पी बर्थडे नेम टू, और यू आर ये हो जाएगा एज, सारे हमने ये ले लिया। अब हम इसको रन करते हैं, तो जरा हाँ अब इसको रन करते हैं, तो ये क्या आ रहा है, वेलकम, तो मैसेज आ गया वेलकम, फिर नाम आ गया राजा एंड हैप्पी बर्थडे विंसी यू आर 15 टुडे, राइट। अब अगर हम नेम चेंज करते हैं, वेलकम चेंज करते हैं, वेलकम नमस्ते रन करते हैं, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये नमस्ते अपडेट रिफ्लेक्ट करता है। तो ये एक तरीका है इसको अचीव करने का, सिंपल। अब वेरिएबल में कोई भी चेंजेस आप करो वो ऑटोमेटिकली आपके इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये अब डायनेमिक स्ट्रिंग हो गया, जो कि जैसे जैसे वेरिएबल अपडेट होंगे इसके आउटपुट भी अपडेट होते जाएंगे, ठीक है। तो अब दूसरे तरीके पे आते हैं, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आप फॉर एग्जांपल हमें अब सपोज एक दूसरा लाइन ले लेता हूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसमें हमने करना है सपोज विंसी इज 23 इयर्स ओल्ड, सही, फॉर एग्जांपल हमें ये करना है, ये आउटपुट करना है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका जो है वो फिर से आएगा प्रिंट प्रिंट, और हम यूज करेंगे अब प्लेस होल्डर्स के जगह पे प्लेस होल्डर्स ही होंगे, लेकिन उसको हम असाइन करेंगे परसेंटेज एस। सो परसेंटेज एस is a string, Vinci is a string, right? Vinci is a string. तो इसको पहले blank curly bracket use करते थे और इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे percentage s means Vinci, okay? Next line क्या आएगा? Next line आएगा is, अब अगला आता है 23. This is a digit. This is a number. So, इसको हम यूज करेंगे परसेंटेज
डी, परसेंटेज एस इज परसेंटेज डी यस ओल्ड, राइट, ये हो गया, ठीक है। अब जो पिछले वाला था उसमें हमने यूज किया था डॉट फॉर्मेट, अब डॉट फॉर्मेट यहां यूज नहीं होगा, यहां डायरेक्टली परसेंटेज यूज होगा, परसेंटेज और फिर वेरिएबल नेम एस, परसेंटेज एस जो है हमें विंसी लेना है, सो विंसी का वेरिएबल नेम है नेम टू, तो पहले आएगा नेम टू कॉमा दूसरा परसेंटेज एज, एज जो है इसको मैं कर देता हूँ 23 दिखाना है, तो एज इज एज, सो ये आ जाएगा नेक्स्ट एज, राइट। सो प्लेस होल्डर्स यहाँ पे एस परसेंटेज एस फॉर स्ट्रिंग, परसेंटेज डी फॉर डिजिट इंटीजर, और उसके बाद परसेंटेज और फिर वेरिएबल नेम। अब इसको रन करते हैं तो एग्जैक्टली वही हमें मिल रहा है आउटपुट जो चाहिए, विंसी इज 23 इयर्स ओल्ड, ठीक है। और इस इसमें परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज एफ यूज करते हैं तो देखते क्या होता है, परसेंटेज एफ एफ इज फॉर फ्लोट, ये फ्लोट के लिए है, दैट मींस डेसिमल डिजिट के लिए, और डेसिमल अभी आप बाय डिफॉल्ट ये कुछ 5 या 6 डिजिट्स ले रहे, तो हमें सपोज फॉर एग्जांपल 2 करना है तो आप कुछ नहीं, इसके बीच में डॉट 2 आप कर देंगे, रन करेंगे तो 2 प्लेसेस तक आपका राउंड हो जाएगा, आप चाहे तो 1 भी कर सकते हैं, 1 प्लेसेस तक आपका राउंड हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में परसेंटेज एस फॉर स्ट्रिंग होता है, परसेंटेज डी फॉर इंटीजर्स होता है, परसेंटेज एफ फॉर फ्लोट होता है। और जो आखिरी तरीका है वो लेटेस्ट है और वो मेरा पर्सनल सबसे फेवरेट है, उसके बारे में बताता हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर हम पहले सेंटेंस को ही लेते हैं तो हाँ, इसी को ले लेते हैं कॉपी पेस्ट, ऑल राइट। तो यहाँ पे सिंपल एफ आ जाएगा, एफ फॉर फॉर्मेट, और ये कुछ भी नहीं चाहिए, ये सारा हट जाएगा एफ, और ये प्लेस होल्डर्स जो है इनके जो वेरिएबल है डायरेक्टली यहाँ पे एंटर होंगे। पहले क्या था, वेल मैसेज, मैसेज फिर आ जाएगा नेम वन, नेम वन फिर आ जाएगा नेम टू एंड दिस इज एच, ये है सबसे लेट, एफ यूज करेंगे और कुछ भी नहीं, प्लेस होल्डर्स पे वेरिएबल नेम डालते जाएंगे और रन करेंगे। ये नमस्ते मैसेज का आ गया, पहला मैसेज नमस्ते, फिर नेम वन रवि, ने एंड हैप्पी बर्थडे, नेम टू विंसी, देन यू आर एज 23, दैट्स इट। तो दोस्तों ये 3 तरीके हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के पाइथन में, और आपको जो भी अच्छा लगता है जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो आप उसको यूज कर सकते हैं। शुरू शुरू में आप देखो तो कंफ्यूजिंग सा लगेगा आपको, लेकिन कुछ दिन आप करोगे पाइथन में, जब सीरियसली इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेंगे ये। तो आशा करता हूँ आपको आपको कुछ मदद हुई होगी, और कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखें, और कोई भी प्रॉब्लम हो मैं उसको सॉल्व करूंगा, रिप्लाई करूंगा, या हो सकता है वीडियो बनाकर आपको इस चैनल में पोस्ट करूंगा। और आपको अगर अच्छी लग ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट करने का अभी तक तो एक ही तरीका है कि सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ बने रहें।
Thank you. See you in the next video.